दे रहा हूँ ऐसी गाड़ी का जिसमें मैं खुद बैठ सकूँ। अच्छा जी। ये देखिए बच्चों की है, ये तो ये है तो बच्चों की, मैं भी तो बच्चा ही हूँ। क्वालिटी की बात करें तो फ्रंट बैक दोनों पे क्वालिटी, अगर क्वालिटी की बात करनी है इसकी तो क्वालिटी की ये है कि इसके से भी ज्यादा इस पे वेट डाल सकते हो, कोई मसला नहीं। ठीक है, ये आपने ऑन किया या एक्सीलेटर दिया और आराम से इसको राइड कर सकते हो। मेरे जैसा इसके अंदर यूं बैठे और ये ऐसे चलाएगी जैसे बच्चे को चला रही है। माशाल्लाह भाई, ये क्वालिटी की बात है। मेरा 55 केजी वेट है और आराम से इसको, बड़े बच्चे भी होते हैं लेकिन इसकी क्वालिटी इतनी आउट क्लास बनी हुई है कि कोई इसमें प्रॉब्लम ये है कि इसको बिल्कुल ऐसे रफ एंड टफ यूज करेगा। बच्चा दीवार पे हिट करता है, बैक पे हिट करता है, कोई सुटेबल मटेरियल है इसका, मटेरियल ये होता है। कोई भी आप मटेरियल लेंगे मेरे पास ये अनब्रेकेबल। फॉरवर्ड करेंगे ये पैर एक्सीलेटर रन करती है, बैक करेंगे बैक एक्सीलेटर। ठीक है, रिमोट भी इसके साथ इंक्लूड, चार्जर दिया होता है, बाइक अवेलेबल है। हमारे पास करोला भी मिल जाएगी, BMW, ऑडी, मर्सिडीज, फरारी, जितने भी मॉडल्स गाड़ियों के नए आते हैं वो हमारे पास अवेलेबल होते हैं। भाई शॉप का नाम और एड्रेस बता दो। शॉप का नाम है हेगा टॉयज और शॉप यूं समझ लें कि कराची में मेन मशहूर रोड है हमारा एमेजिना रोड। ठीक है, एमेजिना रोड पर गुल प्लाजा शॉपिंग मॉल, शॉप नंबर 79 हेगा टॉयज। आपको फिर से बताते चलूँ, शॉप नंबर 79 हेगा टॉयज। बाजू का कस्टमर किसी दुकानदार से पूछते हैं कि शॉप का एड्रेस बता, नहीं बताते। मैं आपको वीडियो के ऊपर कॉन्टैक्ट नंबर दूंगा, उस कॉन्टैक्ट पर रब्ता करें। अगर आप गुल प्लाजा पहुँच गए तो हमारा खुद अपना बच्चा दुकान का आ जाएगा, वो आपको पिक कर लेगा नीचे से, कोई प्रॉब्लम। सही, ठीक है। आज मैं आपको दिखाता चलता हूँ, जैसे कि हमारे पास हमने बैटरी ऑपरेट आइटम्स हैं। ठीक है, हमारे पास डिस्प्ले में देख सकते हैं बाइक्स भी है, बैटरी ऑपरेट कार्स भी है। मैं आपको एक ऐसी बाइक दिखा रहा हूँ जो है मेड इन पाकिस्तान लेकिन उसकी क्वालिटी ऐसी है कि आपका दिल खुश हो जाएगा। उसमें ब्लू कलर है और एक हमारे पास रेड कलर है, मैं दोनों ही आपको उतार के दिखाता हूँ। जी जी, इसकी क्वालिटी की अगर बात करें इसकी क्वालिटी ये होगी कि इसके बैक्स पे शॉक दिया है। okay. यानी किसी भी तरीके से इसको यूज करना चाहो यूज कर लो, कोई इशू नहीं। ठीक है, मेटल के इसमें चिमटा दिया हुआ होता है, इजली इसको ऑन करना चाहे इजली इसको ऑन कर सकते। ऑन करने के बाद फॉरवर्ड बैक दोनों चलती है। अब इसको आप फॉरवर्ड चलाएं और बैक चलाएं। इसकी अगर वेट की बात करें, वेट इसके ऊपर 40 से 50 केजी अलाउ है लेकिन मेरा 55 केजी वेट है। मैं अपना भी वेट डाल दूं तो कोई इसमें इशू नहीं है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि ऐसे चलाएगी जैसे कि बच्चे को चला। सही है, वेट का इसमें मसला नहीं। बाजू का होता है, बड़े बच्चे भी होते हैं लेकिन इसकी क्वालिटी इतनी आउट क्लास बनी हुई है कि कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं। इसमें दो कलर्स हमारे पास अवेलेबल है, एक ब्लू कलर दिया हुआ है, एक व्हाइट कलर दिया, अपना रेड कलर दिया हुआ है। इसके अंदर आप ऑक्स वायर भी लगा सकते हैं, यानी मोबाइल अपना कनेक्ट करना चाहे मोबाइल भी कनेक्ट कर सकते हैं। इसके अपना फीचर फंक्शन भी दिए हुए, साथ इंक्लूड चार्जर भी दिया। एक साल से लेकर 8 साल तक का बच्चा चला सकता है, आराम से डिलीवर हो जाती है, कोई टूट फूट नहीं होती, बिल्कुल आराम से। इसके प्राइस है 12,500 रुपये। ठीक है, इसमें कोई डिस्काउंट प्राइजेज नहीं है। इसकी वजह ये कि सबसे कम प्राइस इसके हमने इसलिए रखे हैं कि बाजू का कस्टमर की रेंज नहीं होती, इस वजह से इसके हमने प्राइस रखे। और आउट ऑफ सिटी कस्टमर है 1,000 रुपीज की डिलीवरी, यानी 12,500 इसके और 13,000 रुपीज की डिलीवरी चार्ज, यानी 13,500 रुपये में ये किसी भी शहर में आप डिलीवर करवा दो, कोई प्रॉब्लम नहीं। ऐसी गाड़ी का जिसमें मैं खुद बैठ सकूँ। अच्छा जी, ये देखिए बच्चों की है, ये तो ये है तो बच्चों की, मैं भी तो बच्चा ही हूँ। सही। इस गाड़ी की हम क्वालिटी की बात करें तो फ्रंट बैक दोनों पे इसमें शॉक होते हैं। ठीक है, वेट का कोई इशू नहीं है। डबल मोटर, डबल बैटरी, स्विंग सिस्टम, USB, SD कार्ड, MP3 और एंड्रॉइड, यानी आप अपने मोबाइल से फुल एंड्रॉइड इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, मैं इसको ऑन करके दिखाता हूँ आपको किस तरीके से इसमें फ्रंट पे फैब्रिक की लाइटिंग दी हुई है और अनब्रेकेबल। इसकी एक एक चीज ऐसी बनाई हुई होती है कि बच्चा इसको हिट करे तो बॉडी पे अटैचमेंट ना हो। ठीक है, दूसरी बात ये इसके अंदर स्विंग सिस्टम है, ये देख सकते हैं। ठीक है, ये स्विंग सिस्टम भी, अगर इसमें एंड्रॉइड चाहिए तो इसमें एंड्रॉइड फीचर भी दिया हुआ है। हमारा जो रिमोट होता है रिमोट के अंदर इसमें स्कैनर दिया हुआ है, यानी जिससे आप बिल्कुल एंड्रॉइड से इजीली यूज कर सकते हो। और अब इसकी अगर मैं क्वालिटी की बात करूँ तो इसकी क्वालिटी ये होगी कि मेरा जैसा इसके अंदर यूं बैठे और ये ऐसे चलाएगी जैसे बच्चे को चला रही है। माशाल्लाह भाई, ये क्वालिटी की बात है। मेरा 55 केजी वेट है और आराम से इसको यूज कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। इसके अलावा इसमें हमारे पास मॉडल्स वैरायटी और भी होती है, जैसे कि मैं आपको लेता चलूं, जैसे कि इस टाइप के ऊपर कार्स लगी हुई इसमें तकरीबन 40 केजी, 45 केजी। अगर कमर्शियल में लेंगे, कमर्शियल ये होती है कमर्शियल आउटडोर इंडोर दोनों यूज करते हो, घर में 10 किस्म के बच्चे होते हैं, इनका वेट ज्यादा भी होता है कम भी होता है, एक साथ दो को भी बैठना होता है, नई चीज देख। बिल्कुल, तो कमर्शियल ऐसी होती है, पायदार होती है, अनब्रेकेबल होती है, बिल्कुल किसी भी सरफेस पे आउटडोर इंडोर दोनों यूज कर सकते हो। और इसकी क्वालिटी ऐसी होती है कि अनब्रेकेबल प्लास्टिक मटेरियल होता है, जैसे कि मैंने आपको जीप तो दिखाई,
अब मैं आपको दिखाता चलूं गाड़ी। अच्छा, इसकी प्राइस कोट करेंगे? अभी प्राइस रेंज जो स्टार्ट होती है हमारे पास गाड़ियों की, यूं समझ लें कि नॉन कमर्शियल में लेंगे तो तकरीबन 12-12.5 हज़ार रुपए से शुरू होती है। सही। अगर कमर्शियल में लेंगे, कमर्शियल आपको 18,000-20,000-22,000 इस रेंज के अंदर होती है। इसकी क्वालिटी ये कि इसको बिल्कुल ऐसे रफ एंड टफ यूज करेगा, बच्चा दीवार पे हिट करता है, बैक पे हिट करता है, कोई इशू नहीं है, दोनों डोर इसके ओपन होते हैं। ठीक है, फ्रंट बैग इसमें भी दोनों पे शॉक दिया हुआ, तो ये ऐसा आइटम है, ये देखना आप किस तरीके से बिल्कुल अनब्रेकेबल। हमारा कोई भी आइटम लोगे हम अनब्रेकेबल इसलिए बनाते हैं कि बच्चों का आइटम होता है, बच्चे दीवार पे हिट भी करते हैं, हार्ड होता है तो क्रैक हो जाते हैं। इसमें वही फंक्शन है, की से स्टार्ट होती है, बाकायदा इसके अंदर की दी हुई है। ठीक है, की से ये स्टार्ट करें आप इसको इजीली, बच्चों को फील हो गया असली गाड़ी चला रहे हैं। ये बिल्कुल की से आपने स्टार्ट किया, स्टार्टिंग साउंड आएगा इसके अंदर। ठीक है, जबरदस्त। ये कितना वेट बेयर कर सकता है? अभी ये बेयर आराम से वेट तकरीबन 35-40 के जी वेट बेयर कर सकते हैं। इसमें जो एज लिमिट दी गई है 1 साल से 8 साल तक के बच्चे के लिए दी गई है। मेरे डिस्प्ले पर नहीं जाना, दोबारा कह रहा हूँ, मेरे पास 27 से 28 मॉडल एनी टाइम अवेलेबल होते हैं न्यू गाड़ियों, जो ज्यादातर मेरे पास कमर्शियल में होता है क्योंकि मेरा काम होलसेल का है, हमारा इंटीरियर कस्टमर ज्यादा होता है, तो इस वजह से हमें गाड़ियाँ ऐसी रखनी पड़ती है कि हमें शिकायत का मौका ना मिले। दूसरी बात, कस्टमर ये भी रिक्वायर्ड करता है यार हमारी गाड़ियाँ खराब जल्दी हो जाती है। इसकी वजह ये होती है कि बाज़ू का कस्टमर लेकर जाते पूरी रात चार्ज करते हैं, पूरी रात चार्ज नहीं करना। फर्स्ट टाइम 4 घंटे चार्ज देती है, सेकंड टाइम 2 से 2.5 घंटे चार्ज देती है, और रेगुलर यूज अगर बच्चे कर रहे हैं तो रेगुलर चार्ज करें। कुछ भी खराब हो जाए, एक्स वाई जेड कुछ भी खराब हो जाए, रिपेरेबल है, हमसे रब्ता करें, हमारा बंदा घर तक भी आ जाए। वारंटी होती है जी? वारंटी नहीं होती, वही कह रहा हूँ कि वारंटी अगर देखे, दुकानदार वारंटी देके भी बेचते हैं, लेकिन हमारा ऐसा काम नहीं, क्लियर बता देते हैं। आप अगर 20,000 की चीज लेके मुझसे 30,000 रुपए मुझे पे करोगे, मैं आपको गारंटी नहीं दूंगा। सही। क्योंकि एहतियात इसमें सिर्फ बैटरी की, इलेक्ट्रॉनिक आइटम होता है जी। दूसरी बात ये कि कुछ भी खराब हो जाए रिपेयरेबल है, 500 होम चार्जेस लेता है बंदा आके आपके घर पे, आराम से इसको रिपेयर करके चला जाता है। बाकी एक्स वाई जेड कुछ इसमें सामान मिलने का होता है तो वो भी आराम से कार लेते चले। अब कार में इसमें बाजू का क्या होता है, ऐसे मेटालिक कलर में भी अवेलेबल है हमारे पास, नॉर्मल कलर में भी अवेलेबल है। मिनी कार जैसे कि हमारे पास है मिनी कार, मिनी ये ऐसी कार है कि 1 साल से 5 साल तक का बच्चा आराम से चला सकता है। बाजू का घर में स्पेस होता है, स्पेस का बहुत बड़ा मसला है हमारे यहाँ, स्पेस की वजह से है भी बिल्कुल लाइट वेट, दूसरी बात है भी बहुत छोटी, अंदर से स्पेस हमने इसके ऐसा दिया कि 1 साल से 5 साल तक का बच्चा आराम से बैठ सके। इसमें साथ इंक्लूड रिमोट भी दिया है, इंक्लूड चार्जर भी दिया है, और इंक्लूड एंड्रॉइड भी दिया है, यानी मोबाइल से भी इसको भी ऑपरेट कर सकते हैं। ठीक है, ये इसका रिमोट के फंक्शंस होते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं, फॉरवर्ड दिया हुआ है, बैक दिया हुआ है, लेफ्ट दिया हुआ है, राइट दिया हुआ, पी पार्किंग का ऑप्शन है, और ऐसे स्पीड्स के ऑप्शन होते हैं। मैं इसको भी ऑन करके दिखाता हूँ, देखिए इस तरीके से ऑन होती है। और इसकी बॉडी में भी हम लोग कॉम्प्रोमाइज नहीं करते, आप बड़ी गाड़ी लेंगे या छोटी गाड़ी लेंगे, बॉडी हमारे पास एक ही होगी, वही अनब्रेकेबल मटेरियल है। इसका मटेरियल ये होता है, कोई भी आप मटेरियल लेंगे मेरे पास ये अनब्रेकेबल होगी। सही है, इस तरीके से बैंड करके हम दिखाते हैं, कोई वेट का इशू नहीं है। इसमें भी वही सारे ऑप्शन है अपने, इसके बिल्ट इन म्यूजिक दिए हैं, स्विंग सिस्टम दिया हुआ है कि आगे पीछे स्विंग करती है। सही है। इसके अलावा अगर हम बड़ी गाड़ियों की तरफ चला, अगर ब्रांड में हमारे पास गाड़ियाँ चाहिए तो ब्रांड में भी अवेलेबल, जैसे कि सील भी कंपनी की अवेलेबल है, इसके बराबर में रॉन्टे की अवेलेबल है, ऐसे सारे मॉडल्स होते हैं। मॉडल्स में आपको बता दूं हमारे पास कौन कौन से अवेलेबल है, हमारे पास करोला भी मिल जाएगी, BMW, ऑडी, मर्सिडीज, फरारी, जितने भी मॉडल्स गाड़ियों के नए आते हैं वो हमारे पास अवेलेबल होते हैं। इसके अलावा डिस्प्ले पर ना जाए, हमारे पास और भी तकरीबन 27-28 मॉडल और भी अवेलेबल होते हैं। अगर मैं इसकी बात करूं, बाजू का कस्टमर यूँ कहता है कि सर आपके प्राइस में बड़ा डिफरेंस आता है, प्राइस में डिफरेंस नहीं होता, जिसको ऐसा फील होता है वो हमारी दुकान पे आए, हमारे पास चीज़ देखे, उसके बाद मार्केट विजिट करे, फिर हमसे लेके जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं। और इसके बाद अब मैंने बैटरी ऑपरेट आपको आइटम दिया, मैं बाइक दिखा रहा हूँ आपको, बड़ी बाइक जो दिखा रहा हूँ ये इस टाइप की बाइक होती है, साइज पर इसके ना जाए। ठीक है, ये होती है रबर टायर के अंदर, प्योर रबर के इसके टायर्स होते हैं। ठीक है, और इसमें एज का वेट का मसला नहीं होता, आराम से तकरीबन 50 kg, 40 kg, 45 kg वेट आप आराम से डाल सकते हो। हैंड एक्सीलेटर होता है, पाँव में ब्रेक होता है, यानी हाथ से एक्सीलेटर होती है, पाँव से ब्रेक होती है। इसी में आपको अगर सबसे बड़ा साइज दिखाता चलूँ तो ये सबसे बड़ा साइज है बाइक के अंदर है। इसमें क्या है, इसकी क्वालिटी, अगर क्वालिटी की बात करनी है इसकी, तो क्वालिटी की ये है कि इसके ये चीज़ है। अच्छा, इसमें बाइक पे शॉक्स दिया हुआ है, ये देख रहे हैं आप, किसी भी सरफेस पे चलाएं कोई इशू नहीं। इसमें रबड़ व्हील, प्लास्टिक व्हील दोनों मिल जाएगा। और अगर इसकी क्वालिटी की बात करनी है, मेरे से भी ज़्यादा इस पर वेट डाल सकते हो, कोई मसला नहीं। ठीक है, ये आपने ऑन किया, ये एक्सीलेटर दिया, और आराम से इसको राइड कर सकते हो, बता नहीं सकते। सही, देख रहे हैं किस, बिल्कुल ईजिली इसको राइड कर सकते हैं। दूसरी बात ये कि इसमें वही सारे फंक्शन है, USB, SD कार्ड, MP3। ठीक है, और मेटल का चिमटा होता है, मेटल का हैंडल होता है, बैग भी इसकी मेटल की होती है।
ये इस वजह से दी हुई होती है कि बाजू का बनी ही बड़े बच्चों के लिए आउटडोर इंडोर दोनों यूज करते हैं। इसमें रबड़ व्हील के अंदर लेंगे रबड़ व्हील पड़ेगी आपको 28,500 रुपए की, और प्लास्टिक व्हील में लेंगे प्लास्टिक व्हील पड़ेगी आपको 24,500 रुपए। ठीक है, ये कमर्शियल एक्सीलेटर है, पाँव में ब्रेक है तो दिखा दी इस तरीके से। इसमें लाइटिंग है, यूएसबी, एसडी कार्ड, MP3, फंक्शन वही सारे इसके अंदर होते हैं। इसके बाद अगर ये येलो वाली की हम बात करें, ये GTR येलो कलर की है, इसमें आगे लिया जी मैं भी दिखा देता हूँ, इसका भी डेमो आपको करवा देता हूँ। जैसे कि येलो वाली है, ये इस तरीके से होती है, ऑन करेंगे आप इसको इजिली, USB लगती है, ऑक्स वायर, MP3 सारे फंक्शन होते हैं। ये इस तरीके से आप इसका डेमो बिल्कुल देख सकते हैं। फॉरवर्ड करेंगे ये पैर एक्सीलेटर रन करती है, बैक करेंगे बैक एक्सीलेटर। ठीक है, रिमोट भी इसके साथ इंक्लूड, चार्जर दिया होता है। बाइक के अंदर किसी में भी रिमोट नहीं होता, बाजू का कस्टमर पूछते हैं कि सर बाइक में रिमोट है, हम मना करते हैं कि वीडियो में कह देते हैं कि सर बाइक में किसी में भी रिमोट नहीं होता, सिर्फ इंक्लूड एक्सीलेटर से चलती है या हैंड एक्सीलेटर से।